So last time we did Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, we are having our matter that is made up of atoms. Atoms, remember, सबसे simplest and the smallest indivisible units that inform further divide नहीं करते. Okay? जो आपके same element के atoms हैं वो similar होंगे हर एक properties में shape, size and chemical properties. जो आपके atoms जो हैं वो different different elements के हैं. They will be different in all the characteristics like size हो गया, mass हो गया and chemical properties. Okay? सेम एटम्स जो हैं वो एक से ज्यादा रेशियोज में भी कंबाइन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड. ओके, एंड यहाँ पर आपने दो मास जो दो लॉज जो हैं वो भी फॉलो किए हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला भी है कि जो आपके एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में ही क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ड्रॉबैक में सबसे पहले उसने ये कहा था कि एटम जो है वो क्या है, but actually atom is it is divisible into electrons, protons and second jo iski limitation thi that was whenever we talk about isotopes. Isotopes kya hote hain, they are actually the atoms of the same element. जैसे हाइड्रोजन के ले लिए मैंने दो आइसोटोप्स, ठीक है, एटम है हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के ले लेते हैं. ऑक्सीजन का एक आइसोटोप का मास 16 है और दूसरे आइसोटोप का मास 18 है. ठीक है, अगर इनका मास डिफरेंट हो गया है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर जो इनकी फिक्स रेशियोज है वो भी चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो डैट मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डजंट होल्ड इन केस ऑफ आइसोटोप्स where we are having the atoms that carry different masses. Clear हो गया बेटा isotopes? ठीक है, next बेटा वो next करेंगे, इस chapter में नहीं है, it is in the next chapter. ठीक है, oxygen के दो isotopes exist करते हैं, यानी कि oxygen जो है वो आपका दो forms में exist करता है, एक का mass 16 है और एक का mass 18 है. अगर आप 16 वाले के साथ water form करोगे तो रेशियो आएगी 1:8. अगर आप 18 वाले के साथ वाटर बनाओगे तो रेशियो आएगी 1:9. ठीक है जी, अब मेरे अकॉर्डिंग तो जो वाटर है वो तो हमेशा 1:8 का होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, 1:9 आ गई जहां पर मैं ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप ले रही हूँ, 18. तो यहाँ पर मास चेंज हो गया, मास चेंज होने के कारण जो रेशियो है वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई. ठीक है, हर एक वाटर की जो रेशियो है वो 1:8 तो आएगी नहीं. ओके, तो दैट मींस यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है. क्लियर, इज दिस क्लियर? ये ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक मतलब कहाँ ये थ्योरी फेल हो गई. ये थ्योरी ने कहा था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकते हैं, बट एटम्स आर एक्चुअली डिविजिबल. ये थ्योरी ने ये कहा कि जो रेशियोज हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगी, बट यहाँ पर तो हम रेशियोज भी चेंज कर रहे हैं. सिक्सटीन आइसोटोप वाला ही यूज होता है. ठीक है, क्या, हाँ, अगर टैप वाटर में से आपका पानी आ रहा है और उसमें ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 है, और अगर आप किसी और सोर्स से ले रहे हो जहां पर ऑक्सीजन वाटर ले रहे हो जहां पर ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 है, तो क्या वो दोनों रेशियो सेम आएंगी फिर? ठीक है, तो लॉ तो चेंज हो गया ना फिर यहाँ पर. क्या, तभी तो ड्रॉबैक में लेके आए हैं. ठीक है जी, अब नेक्स्ट,
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, सारे सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या नाम है? नित्या कवरनूर। बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बाहर जा सकते हैं, फिर आप चले जाओ दोनों बाहर। लिसन नेक्स्ट थिंग नाउ, आइसोटोप्स एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट क्लियर है? अब करना तो नहीं है दोबारा। एटॉमिक मास में आपने याद रखना है कि जिनका एटॉमिक नंबर इवन है आपने सिंपली उनके मास को मल्टीप्लाई करना है टू के साथ, जिनका ऑड है टू के साथ मल्टीप्लाई करके वन प्लस कर देना है। बट द एक्सेप्शंस आर फॉर 1, 4, 7। वन पे हाइड्रोजन है जिसका वन का वन ही रहना है, ठीक है। फोर पे कौन है? बेरिलियम, इसका कितना है? 9। सेवन पे नाइट्रोजन है, इसका 14 आएगा। क्लोरीन है, आर्गन है 36 की बजाय 40 आना, ठीक है। ये क्लियर है? आर्गन तो रिएक्ट ही नहीं करता, लिखवाया तो हुआ सारा, बता दे। ओके, नाउ लिसन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। जो आपका चार्ट है वो हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, राइट। नाउ इन द चार्ट वी आर गोइंग टू डू द थर्ड थिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स लिख ले, एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लिए हैं, अब उनके हमने मासेस भी लिख लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? What is electronic configuration? सबसे पहले, इससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, why do atoms combine? क्यों atoms combine? Okay, you people are saying two things. One is molecule and the second is stable. ये दो चीजें कही हैं आपने, एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके, ठीक है। मॉलिक्यूल वाला पॉइंट तो मुझे समझ आता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? वेरी गुड, ये चीज हमेशा याद रखनी है, डैट एटम्स दे आर ऑलवेज रिएक्टिव। क्यों क्यों रिएक्टिव होते हैं बेटा? देखो, कोई भी चीज है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। आप हो, आप इंडिविजुअली, अगर मैं आपको सिंगल कहूँ कि आपने अकेले ही रहना है स्कूल में, तो यू कांट मैनेज। फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हो, ओके, यू फॉर्म बॉन्ड्स विद योर फ्रेंड्स, एंड सेम इज द वे विद द एटम्स। एटम्स भी जो है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओके। नाउ दे वॉन्ट टू एक्वायर स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्टेबिलिटी इन द टर्म? स्टेबिलिटी क्या है? ओके, हाँ तो नोबल गैसेस कौन स्टेबल है ना, फिर इसीलिए रह रही हैं। ओके, व्हाट इज स्टेबिलिटी एक्चुअली? What is the need of chemical combination? Atoms, they always combine in order to acquire the stability. ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे आती है? किस चीज को मैं स्टेबल कह रही हूँ? मेरे अकॉर्डिंग स्टेबल वो हैं जिनके पास मैजिक नंबर्स हैं, ओके। दोज एटम्स दे आर स्टेबल दैट आर हैविंग द मैजिक नंबर्स, एंड द मैजिक नंबर्स आर 2, 8, 18 एंड दीज आर द मैजिक नंबर्स। जो क्या करेंगे? मैजिक करेंगे। मैजिक कैसे करेंगे? मैजिक ऐसे करेंगे कि वो एटम्स को क्या बनाएंगे? स्टेबल, ठीक है। अब ये मैंने मैजिक नंबर्स जो लिखे हैं ये आते कहां से हैं, ठीक है। यू ऑल हैव हर्ड दैट
व्हेनेवर द एटम्स, आपने सुना है एटम्स का स्ट्रक्चर सुना हुआ है कभी? एटम है, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और साइड्स पे क्या रिवॉल्व करते हैं? किस ऑर्बिट में? ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर मोशंस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्व। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फिगरेशन है, ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फिगरेशन है, व्हेन दे आर एक्चुअली मूविंग, व्हेन दे आर एक्चुअली मूविंग इन दोज ऑर्बिट्स, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये शेल्स कहते हो आप, सर्कुलर ऑर्बिट्स कह देते हो, और इनको शेल्स कह देते हो, एंड दे आर लिस्टेड एज के एल एम एम, एन शेल्स। ठीक है, अब पहली वाली के शेल कौन सी होती है? जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? बस टू। दूसरी शेल विच इज नेक्स्ट टू द के शेल, दैट इज एल शेल, उसमें आपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं? एट। सिमिलरली 18 एंड सिमिलरली। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फिगरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले दो में ही जाएंगे, ये कॉन्फिगरेशन ही है, रूल ही ऐसा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और सर्कुलर शेल्स। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फिगरेशन को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वेयर दीज शेल्स आर एक्चुअली द के एल एम एंड एन शेल्स। के शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एल शेल में हमेशा आठ, आठ से कम वाले आपने सारे इंक्लूड कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भी डाल देना है हमने, 8 से ज्यादा नहीं डालना, 8 से ज्यादा हुआ तो हमने फिर नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर जाना। सिमिलरली यहाँ पर 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हुए तो हमने नेक्स्ट शेल में शिफ्ट करना है, वो मैं सारा अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर मैं नंबर्स लिखते हैं, अब हम अपने और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी बताती हूँ आपको सबकी। लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब ऐसे ही आपने शेल अरेंजमेंट लिखना है, मैं यहाँ पर शेल्स लिखने लगी हूँ, के एल एम एन शेल। ठीक है, ये वाली जो चीज है दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्या है ये? और एटॉमिक नंबर आपको हमेशा क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर हमेशा आपको क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अभी तक मैं आपको जितना करवा रही हूँ पहले वो देखो, ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट चैप्टर की हैं, कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब हमारे लिए ये जो साइड पे हमने नंबर्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बताया था ना मैंने आपको कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब ये जो आप साइड्स पे नंबर्स लिख रहे हो, अब ये सारे जो हैं वो आपकी क्या कॉन्फिगरेशन डिटरमिन करने में हेल्प करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो वो किस शेल में जाएंगे? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल कौन सी है? के शेल है, तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? बना दूं दो यहाँ पे। थर्ड में 3। अब 3 को तोड़ो, पहले में 2 ही जाएंगे हमेशा, तो इट विल बी 2 एंड 1। तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जब आपने लिखना है आपने ऐसे लिखना है 2, 1। ठीक है, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस 2, 1।
क्योंकि मैं अलग अलग शेल्स लिख रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के लिख रही हूँ। क्या एल सबसे बाहर वाला थोड़ी ना, के वाले में नहीं लिखना, ठीक है। फोर्थ है क्या आएगा, बस करो बेटा। अब देखो आउट ऑफ दीज एक हीलियम है और एक नियॉन है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने सुना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी सुने हुए हैं आपने, लिथियम के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, बट इसमें से जो हीलियम है और जो नियॉन है ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो क्या है, स्टेबल है। वी आर हैविंग विच नंबर्स, We are actually having the magic numbers, जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, जो हमें स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने जरूरी। अच्छा एक चीज और, अगर आप के शेल की बात कर रहे हो तो आपने सिर्फ इसकी फर्स्ट शेल देखनी है बस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के शेल तो जो मैजिक नंबर्स हैं उसकी भी आपने कौन सी शेल देखनी है, फर्स्ट शेल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू शेल्स तो मैजिक नंबर्स की भी आपने कौन सी शेल्स देखनी है, टू शेल्स ही देखनी। ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी, समझ आई बात। अब यहाँ पर एक शेल है, इस एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कहता मैं तो स्टेबल हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के साथ कंबाइन करने की, किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की या किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने की, आई एम स्टेबल। तो वो अकेला स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहा है, ठीक है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रहा, किसी को इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहा, किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहा, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें नियॉन की, 2-8 नियॉन इज 2-8। अब पहली दो शेल्स देखो, पहली दो शेल्स में भी एक में दो होना चाहिए था और सेकेंड वाली में 8 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इसकी मैजिक नंबर्स वाली कॉन्फिगरेशन है? है, तो वो भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। वो कहता जब मेरे पास पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं किसी को क्यों दूं या मैं किसी से क्यों लूं, तभी इनको हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, बिकॉज़ दे आर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलो, एट इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। ग्यारह भरने हैं, 2-8 तक पहुंच गए हैं। अब यहां तक रुको। एक्चुअली जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 दो दो बारी लिखा जाता है, 18 भी आपने दो बारी मेंशन करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से 8 आना चाहिए, ठीक है। अब 19 में कैसे जाएगा, 2-8-8 दो बारी 8 रिपीट कर दिया, अब इसके बाद 8 रिपीट नहीं होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट शेल में जाएंगे, ठीक है। बस तुम्हें यार नहीं करना है, मैं बताऊंगा।
तो यहां से आपका आर्गन जो है डेट इज स्टेबल, क्योंकि ये कॉन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है. Is this clear? किसी को अगर कुछ नहीं समझ आया है यू कैन आस्क. सो व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? सो एटम्स दे कंबाइन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन. स्टेबल कॉन्फिग्रेशन किसके पास है? और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं. इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? ताकि वो क्या कर सकें? दे कैन एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. तेरे पीछे अभी तो बताया, क्योंकि उनके पास मैजिक नंबर्स वाली कॉन्फ़िगरेशन है. इसके पास टू होने चाहिए थे फर्स्ट शेल में. हाँ, तो देखो ना, कोई चीज लूज या गेन कब करेगी? जब उसके पास वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो उसको चाहिए. ऐसे ही होगा ना. स्टेबल होने के लिए सबको वो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सबको मैजिक नंबर्स चाहिए. सारे एटम्स को मैजिक नंबर्स चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना सके. इसमें से जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हैं. उनके पास वो मैजिक नंबर्स ऑलरेडी हैं, उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हैं. जो बाकी बच गए हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें भी वो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं. जिसके पास ज्यादा है वो भी देता है, जिसके पास कम है वो लेता है, ताकि वो ये कॉन्फ़िगरेशन बना सके, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. ठीक है, आपको कह दिया है कि ये चीज स्टेबल है, तो आप क्या सारे ट्राई करोगे? आप वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करोगे ना. ठीक है, तो सेम यहाँ पर एटम्स का भी केस है. उनको बोल दिया हुआ है कि 2, 8, 18, 32 जो है वो स्टेबल है, तो वो सारे भाग रहे हैं कि हम 2, 8, 18, 32 को अचीव कर सके. इसीलिए वो लूज या गेन करते हैं. हाँ, जब वो लूज या गेन करते हैं तो अचीव करते हैं. यहाँ पर देखो, अभी बताया, अभी तो क्या बता गया टीम में. व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? एलिमेंट्स दे सॉरी द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स दे एक्चुअली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है. स्टेबल स्टेबल मींस दे आर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये स्टेबल है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कि इनके पास ये मैजिक नंबर्स हैं. इफ दे आर हैविंग दीज मैजिक नंबर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे आर स्टेबल. ठीक है, अब देखो, सी नाउ, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? दो. उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल? अब कोई एक इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन है, इजिली मिल जाता है. एक इलेक्ट्रॉन है, वो इजिली मिल जाता है. अगर सपोज किसी ने नहीं दिया तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? वो कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी ने मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना है स्टेबल होने के लिए, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. ठीक है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो क्या बनाती है? कैटायन बनाती है. क्या? नाइन कैटायन. पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो हाइड्रोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ गया? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ठीक है, हाँ, देगा तो पॉजिटिव है, अगर वो ले रहा है किसी से तो नेगेटिव है. अब जब उसने दे दिया तो ये वन किस में चेंज हो गया?
जब उसने दे दिया जीरो में, जब उसने ले लिया तो ये वन किस में चेंज हो गया, ये दोनों क्या है स्टेबल है। जीरो मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो कहता झंझट ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट ही गया। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो गया, उसको जरूरत ही नहीं है लेने देने की। टू हो गए तो डेट मीन्स उसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई है, अब वो क्या बन गया, अब हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करता, तो ना ही ये पॉजिटिव बनाएगा ना ही ये नेगेटिव बनाएगा। लिथियम पहली शेल उसकी कंप्लीट है, पहली शेल उसकी कंप्लीट है, दूसरी शेल, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, सेवन इलेक्ट्रॉन्स मीन सेवन लाख, सात लाख। कोई देगा उसको इतने पैसे, कोई देगा उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स, नहीं देगा ना, ठीक है। तो अब लिथियम की क्या टेंडेंसी होगी, वो कहता है जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी ले लो, ठीक है, वो यही कहेगा कि जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है आप वो भी ले लो। जब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, एल आई पॉजिटिव। कॉन्फिग्रेशन किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन स्टेबल और नॉट स्टेबल। बेरिलियम कितने, अगेन इसको सिक्स चाहिए, तो सिक्स लाख कोई देगा नहीं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा नहीं उसको, तो कहता है ठीक है मैं ये भी दे देता हूँ। तो चार्ज कितना आ जाएगा, कॉन्फिगरेशन क्योंकि उसने ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, बचे सिर्फ दो, ठीक है, बोरोन उसने ये तीन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और टू बच गया फिर से,